Assalamualaikum. Hi, hello, welcome to Hal Behal. Behal आपके लेके आया है रिव्यू पठान मूवी का, जो कि शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मूवी की रिव्यू के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी हर वीडियो में आपको जो है वीडियो के एंड में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं, तो आप साथ रहिए। तो हम डायरेक्ट इस फिल्म की स्टोरी पे आ जाते हैं। पठान फिल्म की स्टोरी जो है वो एक अंडर कवर एजेंट के ऊपर है, ठीक है। SRK जो है वो इसमें एक अंडर कवर गवर्नमेंट एजेंट है, जो कि इंडिया से बाहर कहीं पे भी जाकर अपने मिशन कंप्लीट करके आ जाता है, ठीक है। क्योंकि SRK को लगता है कि वो जो है वो टॉम क्रूज भी है, जेम्स बॉन्ड भी है और जॉनी डेप भी है, तो इनका तो दिल करता है यार ये तो समंदर में भी चले जाते, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी की तरह कॉपी तो करता है भाई जॉनी डेप को। क्यों तो ऐसा है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, इस फिल्म में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है यार, अब देखो ना, एक व्यूअर जो है वो जाता है सिनेमा टिकट खरीद कर, वो कहता है यार कुछ नया मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं आपको नया कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी फिल्मों का मसाला है, ठीक है, वही आपको डालकर आपको जो है पेश कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको यही दे देता हूँ कि इसमें जो है सलमान खान का भी रोल है, ठीक है, जैसे कि Tiger 3 में शाहरुख खान का भी रोल है। क्योंकि अब बड़े आर्टिस्ट क्या करने जा रहे हैं, जब से इनको पता चला है कि तमिल मूवीज जो है वो कुछ ज्यादा ही बॉक्स ऑफिस पर नाच रही हैं, तो इन्हें डर लगना शुरू हो गया है। इसलिए जो ये अब हैं बड़े बड़े एक्ट्रेस, जैसे एक टाइम पर करण अर्जुन, ये वो सारी फिल्में आ गई थी ना, अब इसी तरह से दोबारा ये जो है जोड़ीदार एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी बड़ी बड़ी फिल्मों में, तो उससे क्या हो जाएगा, जो एक बड़ी फैन फॉलोइंग है सलमान खान की वो भी आकर ये फिल्म देखेगी, और जो बड़ी फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की वो भी जाके Tiger 3 देखेगी। तो आपको समझ आ रहा होगा मेरे कहने का क्या मतलब है, मसाला प्लस मसाला, आवाम से पैसा निकालना। कब तक दोगे अपने पैसे इनको, एक सब्सक्राइब मुझे भी दे दो। तो अब आते हैं नेगेटिव रिव्यूज पे। यार देखो, अब मेरे जैसा एक छोटा इंसान या मेरे जैसा एक गरीब इंसान अगर फिल्म बनाने का सोचेगा ना, तो जाके वो 3-4 फिल्में देखेगा हॉलीवुड के बॉलीवुड के, तब जाकर वो उसी तरह से जो है छोटा मोटा करके कुछ ना कुछ बना लेगा, ठीक है। लेकिन आप इनको देख लो ना यार, इतने बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, इनके पास इतना पैसा है। अभी बात सुनने को आई है कि शाहरुख खान ने जो है वो 100 करोड़ रुपए जो है वो ले लिया इस फिल्म के लिए, तो क्या यार ये कैसी फिल्म है, ठीक है। मुझे पता है कि ये पैसा निकलेगा आवाम से जो देखने जाएंगे इस फिल्म। यार ये फिल्म सिनेमा में जाके देखने से अच्छा है ना कि आप वो जो राजपाल यादव आ रही है ना अर्थ, आप वो देख लो यार, वो ज्यादा अच्छी मूवी है, कम से कम ओरिजिनल तो है। अगर आपको इसी तरह के मसाले देखने हैं पठान की तरह, तो फिर आप वो जो नुक्कड़ के सिनेमा नहीं होते छोटे छोटे से, जहाँ पर ये जो इंग्लिश फिल्में दिखाते हैं भाई, वहाँ पे जाके अपना चश्मा पूरा कर लो 5 रुपए दे के घुस जाओ। देखना है तो ओरिजिनली फिर देखो, वही कॉपी क्यों देखनी है इतने पैसे देकर। यार अब देखो, मैं राजपाल यादव की बात करूँ, कमाल एक्टर, ठीक है, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़े दिल वाला एक्टर कि उसने अपना करियर स्टार्ट किया और अब तक जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टार्स को देता गया। यार आप समझो इस बात को, वो ऐसा एक्टर है कि उसने बड़े बड़े स्टार्स को बनाया, ठीक है। लेकिन आज जब उसकी अपनी मूवी आई यार, तो क्या किए इन लोगों ने यार, एक प्रमोशन तक नहीं की उस फिल्म की, ठीक है। अगर यही फिल्म में अक्षय कुमार होता या सलमान खान होता या और कोई बड़ा एक्टर होता, ठीक है, वो क्या करता, सबसे पहले कपिल शर्मा शो में उसकी एंट्री होती, उसके बाद आपको हर जगह पोस्टर्स, बैनर, एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब भर चुका होता। तो यार देखो, राजपाल यादव को सपोर्ट करो। मुझे पता है आप लोग एक शॉर्मा भी खाते हुए 10 दफा सोचते हो कि अबे यार ये तो 5 रुपए महंगा हो गया, और जाकर आप अपना पैसा यार ऐसे पठान मूवी टाइप की मूवीज को देते हो, यार अफसोस की बात है। इससे अच्छा राजपाल यादव को सपोर्ट करो यार, अच्छा एक्टर है भाई अपना। पठान जो है ना वो मोबाइल पे देखेंगे डाउनलोड करके, कैसे भाई। और इस फिल्म में ज्यादातर आपको जो है वो दुबई देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो है ये फिल्म दुबई में शूट हुई है। और अब जब ये लोग जब जाकर सिनेमा में देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये हॉलीवुड की किस फिल्म से कौन सा सीन लिया गया है, ठीक है। तो अलविदा, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस फिल्म के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं,
कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।